जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन बेहद अहम और बड़ा है, क्योंकि आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को मिलेगी बेल या अभी जेल में ही रहेंगे हेमंत सोरेन, इस पर आज सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद से ही लगातार जो है अब वो जेल में बंद हैं, उन पर कार्रवाई चल रही है, पूछताछ का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो गई है, कई अन्य लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लगातार ईडी इस पूरे जमीन घोटाले प्रकरण में कार्रवाई कर रही है। इसी बीच आज का दिन बेहद अहम है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज जमीन घोटाला मामले में उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है और आज ये तय होगा कि इस पूरे प्रकरण में हेमंत सोरेन जब से गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद से लगातार वो ईडी की हिरासत में हैं। रांची के होटवार जेल में हेमंत सोरेन बंद हैं, क्या उनकी मुश्किलें आगे बढ़ेंगी या फिर उनकी जो बेल की अर्जी है उस पर उनको राहत मिलती हुई नजर आएगी, इस पर से आज पर्दा उठेगा। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर वो बरी होंगे, इन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो आज का दिन इन तमाम चीजों को देखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है। तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता नीरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, आज एक बड़ा दिन है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर वो बरी होंगे ये तय हो सकता है? बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमानत याचिका फाइल किया है अपनी उम्र की विशेष अदालत में और अब इससे पहले मामले की सुनवाई हुई थी और ईडी की ओर से समय का आग्रह किया गया था पीएमएलए कोर्ट से, जहां आज की तिथि निर्धारित है सुनवाई के लिए, आज सुनवाई होनी है और दोनों ओर से पक्ष रखी जाएगी आज पीएमएलए कोर्ट में और वहां पर तरह से कह सकते हैं। तो अगर बात करें तो हेमंत सोरेन की ओर से तमाम आधार जो है वो रखने की कोशिश की जाएगी कि किस आधार पर उन्हें बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है ये इससे पहले जो सुनवाई हुआ है रिमांड अवधि को लेकर या फिर अन्य मामलों को लेकर, उसमें ये लगातार हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ताओं पक्ष रखते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन को गलत तरीके से फंसाया गया है, प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है लेकिन फिर भी पीएमएलए की धारा में मिलकर जो है ईडी मामले की जांच करे, तो ये कहीं ना कहीं आधार आज के सुनवाई के दौरान दिया जा सकता है। साथ ही कई और भी आधार होंगे जो कि देखने बात होगी हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिवक्ता क्या कुछ रखते हैं, लेकिन बात करूं ईडी की तो ईडी की ओर से तमाम जो सबूत है, जो भी सब्सटेंशियल एविडेंस है वो रखने की कोशिश की जाएगी पीएमएलए की विशेष अदालत में और कहीं ना कहीं जमानत याचिका जो हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल की गई है उसका विरोध किया जाए, तो देखने वाली बात होगी नवीन क्या कुछ होता है, क्या हेमंत सोरेन ने जो ये दाखिल की है बिल्कुल याचिका पर हेमंत सोरेन को राहत मिलती यानी कि बेल मिलती है या फिर हेमंत सोरेन को जेल में ही रहना पड़ता है नवीन। चलिए, तो नजरें इसी पर अब टिकी हुई हैं कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलने वाली है या उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क, गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, ट्रैम्पोलाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।